जय हिंद वंदे मातरम। एक मेजर अचीवमेंट सामने आई है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे को मिलिट्री बेस को यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता इंडिया और चाइना की टेंशन चल रही है और चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए ये एक मेजर अचीवमेंट है फॉर इंडिया पर्पस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी एक वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए एक समझौता किया है जिसमें वो एक दूसरे के जो अपने मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते एक दूसरे के। तो इससे ये होगा कि जो चाइना के जो एक्सेस है, जो चाइना की जो बढ़त बन रही है इंडियन ओशन में, जिसे स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, जिसमें वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक मेजर अचीवमेंट है। अपनी विस्तारवादी नीतियों से आपको पता है चाइना बदनाम हुआ पड़ा है, बहुत सारे देशों को उसने बहुत सारा कर्जा दिया हुआ है, बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं। उसके बाद उस कर्जे में बहुत सारे छोटे छोटे देश फंस रहे हैं जिसकी वजह से वो उनकी ज़मीन को हथिया रहा है और अपने है ना स्वार्थ के लिए उसकी ज़मीन को यूज़ भी कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको पता है वो हम्बनटोटा श्रीलंका के बीच में, जिसको उसने 99 ईयर्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, 99 ईयर्स के लिए उसको रख लिया है अपने पास। हो सकता है कि इन फ्यूचर में वो उसको मिलिट्री बेस भी बना सकते हैं, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि अभी उसने ये बोला है कि नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर कर भी सकता है। जब भी आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ेगी तो ऐसी ऐसी वो जगह जिसको उसने लीज पर लिया हुआ है उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ भी कर सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक आपस में टाई अप किया है, आपस में एक समझौता किया है जिसमें एक दूसरे की जो मिलिट्री बेसिस है उसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक न्यू अपडेट थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी तरह की न्यू अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई भी सुजेशन है, अगर फिर भी आपकी कोई राय है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।